हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 22 तक हम सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 23 में फर्स्ट नंबर में ऐसे फिगर गिवन ऑलरेडी है, नेमिंग भी गिवन है और सारे वैल्यू भी गिवन है। आपको बस इसी का, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, देखो ये जो शेडेड रीजन है ये एक ना एक ट्रायंगल है। तो ये टोटल हमारा जो एबीसीडी जो फिगर बनाया है वो एक क्वाड्रिलेटरल है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना है, उसी का एरिया हम निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट है ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, इसी को हम उसी का जो ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसी से माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, मैं यहां पर और कुछ भी वैल्यू नहीं लिख रही हूं क्योंकि ऑलरेडी फिगर में गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्टली ट्रायंगल का पिक्चर बना देंगे तो इजी हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो डी ई एफ, करेक्ट, डी ई एफ। इस ट्रायंगल में बेस हमारा, मतलब पहले हम लिख देंगे बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस हम डी एफ को लेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर हमको पिक्चर में गिवन है, ठीक है। हमको खुद से कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ऑलरेडी ये जो वैल्यू है ना डी टू एफ तक वो वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, वो 10 सेंटीमीटर डायरेक्टली यहाँ गिवन है और इसको वो डिवाइड करके भी दे दिया है। तो इसको क्या करेंगे, देखो ये हाइट है तो हाफ इंटू 6, ये जो बेस है डी एफ, मैं नहीं तो डी एफ लिख देती हूँ, डी एफ हाफ डी एफ इंटू हाइट डी ई, तो हाफ इंटू डी एफ कितना 6, डी ई 10, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया डी ई एफ का, डी ई एफ ट्राइंगल का। नेक्स्ट बी सी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हम किसको लेंगे, देखो बेस हम 88 सेंटीमीटर को ले लेंगे और हाइट उसका 10 सेंटीमीटर है कि नहीं, एक ऐसे वाला ट्रायंगल है वो, करेक्ट। इसी को हाइट ले लेंगे, इसको बेस और ये हमारा हाइपोटेनस है कि नहीं। तो दोनों तरफ गिवन है तो बेस हम क्या लेंगे, 8 इंटू 10, तो ये 4, तो टोटल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट, यहां पर लिख देंगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल का एरिया हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना 18, ब्रेथ 10 जो कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। अभी हमको फाइनली क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एरिया ऑफ, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूं यहां पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये टोटल रेक्टेंगल से हम ये दो ट्रायंगल को माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ डी ई एफ
डी ई एफ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई, करेक्ट। नेक्स्ट क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा 180 माइनस एरिया ऑफ डी ई एफ हमारा कितना निकला था 30 और ये माइनस 40, तो 180 माइनस 70 टोटल हमारा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हमारा श्रेडेड रीजन का एरिया का वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में सेकंड क्वेश्चन जो कि एक स्क्वायर है, तो सेम इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द श्रेडेड रीजन, ठीक है। तो ये हमारा श्रेडेड रीजन है, यहाँ पर तीन ट्राइंगल, ये एक फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल, करेक्ट। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का पहले हम एरिया निकालेंगे, उसके बाद तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उससे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देते हैं, आप पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हो और स्क्वायर निकाल सकते हो, पर आंसर तो सेम ही आना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर जो कि 20 स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, मतलब ये जो स्क्वायर का। नेक्स्ट हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल SLR, आप कोई भी नेमिंग कर सकते हो SLR, यहाँ पर ये भी 10 है वो भी गिवन है, ठीक है। इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना SL, ठीक है, इंटू आर एस, अदरवाइज SR भी कर सकते हो, आर एस लिखने से अच्छा रहता है क्योंकि हाइट हम लेंगे आर एस और उसका वैल्यू हाफ इंटू 10 इंटू 20 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया फर्स्ट ट्राइंगल का। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल LPM, LPM हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना PM इंटू LP, PM हमारा बेस है, PM कितना ये भी 10 है, ठीक है, ये भी 10 गिवन है, हाफ इंटू 10, LP कितना वो भी 10 गिवन है 50, सेंटीमीटर स्क्वायर, LP हमारा 10 वो भी गिवन है, करेक्ट। और नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ये फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा RMQ, RQM कोई भी नेम आप ले सकते हो, ठीक है, RMQ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना MQ, मैं नेमिंग लिख देती हूं जैसे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, MQ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको बेस लिया किसको क्या लिया, ठीक है। MQ इंटू हाइट हम RQ ले लेंगे, MQ कितना, MQ हमारा 10 वो भी गिवन है, हाफ इंटू 10 इंटू RQ 20, ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीनों एक स्क्वायर का, मतलब पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाले और तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालें। अभी हम स्क्वायर से ट्राइंगल को माइनस कर लेते हैं, एरिया ऑफ ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है ना हमको उसी का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ
स्क्वायर पी क्यू आर एस, ठीक है, मैं पी क्यू आर एस उसका नेमिंग डायरेक्टली लिख दिया हूं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एस एस आर एल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एल पी एम माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एम क्यू, है कि नहीं। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना निकला था, ये जो टोटल स्क्वायर का एरिया हमारा कितना निकला था, 400, है कि नहीं। माइनस फर्स्ट ट्रायंगल का कितना निकला था, 100, माइनस सेकेंड ट्रायंगल का कितना निकला था, 50, माइनस ये जो थर्ड ट्रायंगल का कितना निकला था, 100। तो 400 माइनस 250 जो कि 0150 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन का एरिया का वैल्यू जो हमारा फाइनल आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच डायगोनल बी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए एल परपेंडिकुलर टू बी डी, ए एल परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी एम ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है, सच दैट ए एल का वैल्यू 5 सेंटीमीटर एंड सी एम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सारे कुछ तो गिवन है, हमको बस वैल्यू निकालना है। पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। देखो इस ट्राइंगल मतलब ये जो क्वाड्रिलेटर को हम दो ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं, ए डी बी एक है, बी सी डी एक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पार्ट, ये जो डी बी हमारा दोनों में कॉमन है, इसको हम बेस ले लेंगे, और इस साइड ट्राइंगल का हाइट ए एल है, इस साइड ट्राइंगल का हाइट सी एम है, उसी को लेकर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, जो कि हाफ बेस कितना, बी डी जो कि लिखा है, हाइट कितना, ए एल, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, हाँ करेक्ट है। तो हाफ उसका वैल्यू पुट करते हैं, 24 × 5 12 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी अदरवाइज बी सी डी, बी सी डी सेम हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना बी डी, हाइट सी एम, पहले हम नेमिंग कर लेते हैं उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। हाफ बी डी 24, सी एम 8, 12 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर को पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, है कि नहीं। दो ट्राइंगल मिला लेंगे तो वो क्वाड्रिलेटर बन जाता है कि नहीं। तो 60 प्लस 96 जो कि 6 150। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।